मेरा नाम अनिल कुमार मांडले है, छत्तीसगढ़ इमरजेंसी एंड फायर सर्विस से। मेरे साथ मनोज पटेल है, श्री मोहम्मद सलीम है, श्री ईश्वर राव कांतोड़े हैं। ठीक है, हम ये स्टाफ आए हुए हैं आपके पास। आज एक छोटा सा समय मिला है आपके साथ बिताने का, तो ये बहुत गोल्डन समय है, तो हो सके तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा, और जो भी चीज़ आपके मन में डाउट रहेगा वो चीज़ को आप पूरा बिल्कुल फ्री हो के, ठीक है, इतना अपने आप को बॉन्ड कर चुके हो आप लोग कि आवाज़ भी नहीं कर रही अंदर से, ठीक है, तो वो चीज़ को खोलो। ठीक है, आग के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई बता सकता है? आप बताइए, आग क्या समझते हैं? देखिए, आग क्या है, व्हाट इज फायर? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी? फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चीज आएगी तो ही फायर होगी कहीं पे भी। फायर यदि नियंत्रित है, कंट्रोल में है, तो हम उसका उपयोग खाना बनाने में, अपनी दिनचर्या के यूज में, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, ये सब के लिए यूज करते हैं। लेकिन वही जब आग नियंत्रण से बाहर चले जाती है तो वो डिजास्टर, आपदा और नुकसान के लिए हर चीज को वो जला के भस्म कर देती है। तो ये चीज माइंड को आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है कि यदि वो नियंत्रित है तो वो हमारे लिए सेफ है। तो आग क्या हुआ? आग एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें तीन एलिमेंट का यूज होता है। फर्स्ट बोलिए, फ्यूल, सेकेंड हीट एंड थर्ड ऑक्सीजन। अब एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे तो हीट भी है, फ्यूल भी है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, आग क्यों नहीं लग रही है? नहीं उठा प्रश्न किसी के दिमाग में? तीनों चीज तो है यहाँ पे, हीट भी है, फ्यूल भी है, इतने सारे चेयर कपड़े है ना, क्यों नहीं लग रही आग? रिएक्शन क्या चीज? कंवर्शन, रिएक्शन, तीनों चीज तो है, क्यों रिएक्ट नहीं हो रही है? हाँ यस, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर। जब तक किसी वस्तु को निश्चित ताप नहीं मिलेगी तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। शॉर्ट सर्किट क्यों होती है? एक्सेस हीट, ठीक है, जो भी होता है इनिशियल टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो आग क्यों लगेगी? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इनिशियल टेम्परेचर, निश्चित ताप। ठीक है, अब आग को हम देखें तो आग तो आपको देखेंगे बोलेंगे अरे तो आग लगी, आग लगी है। लेकिन आग को भी हम पांच क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, क्लास ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इसको हम लोग एफ साथ में मर्ज कर दिए हैं, टोटल पांच है, लेकिन इसको छह हम आपको बेसिक बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में पांच है। क्लास ए जितने भी कार्बोनेशियस प्रोडक्ट होते हैं, कार्बोनेशियस प्रोडक्ट इट मीन्स कार्बन से बने हुए पदार्थ, लकड़ी, रबड़, कागज, जितने भी कार्बन से रिलेटेड है, ये क्लास ए में आते हैं। फिर क्लास बी जितने भी ऑयल प्रोडक्ट है, लिक्विड, क्लास बी। उसके बाद क्लास सी गैसेस, फायर, एलपीजी, एनपीजी, जितने भी गैसेस हैं वो क्लास सी में आते हैं। उसके बाद क्लास डी मेटल फायर। मेटल, मेटल किसके बोलते हैं? मेटल किसे कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को ही मेटल बोलेंगे, यदि दो तीन मिल गया तो वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल सिंगल एक प्रोडक्ट, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये एल्युमिनियम, ये सब मेटल है। तो मेटल की फायर में क्लास डी में कैटेगरी करते हैं। उसके बाद फिर ई इलेक्ट्रिक फायर, एफ कुकिंग ऑयल फायर, घर में जो खाना बनाते रहते हैं ऑयल में आग लग जाती है ना, उसी के लिए एफ डिवाइड किया है। नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिसमें बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल यूज किया जाता है, तो वहां पे ये एफ क्लास का फायर वहां पे क्लासिफाइड किया गया है। अब टोटल कितने टाइप के फायर हो, क्लासिफिकेशन हो गए? छह टाइप के। अब ये छह टाइप के जब आग जब अलग अलग है तो उनके माध्यम भी बुझाने के अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन से हमारे पास कुछ एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। एक्सटिंग्विशर क्या है? एक फर्स्ट एड मीडिया है।
आग लगे तो आप एक गिलास पानी से भी आग को आप नियंत्रित कर सकते हैं विथ टाइम, समय में, निश्चित समय में। यदि आप उसको ज़्यादा समय दिए आग को तो क्या होगी, आग वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट एड एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ये फर्स्ट एड क्राइटेरिया में आता है। ज़्यादातर इसको एक्सटिंग्विशर नहीं बोल पाते तो लाल कलर का डब्बा, सिंपल, ठीक है। तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रहती है सब, ये दिखने में अभी सब एक जैसा दिखता है। इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसमें प्रेशर है कि नहीं, ये एक गेज लगा हुआ है। इसमें तीन है, रेड, ग्रीन, रेड। रेड मतलब खाली हो गई है, ग्रीन मतलब यूज करने के लिए है, और इधर और रेड दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, खाली हो गया। यस, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, ज़्यादा प्रेशर हो गया यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ग्रीन से नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट। तो अब लाइन से हम जैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे वैसे एक्सटिंक्शन मीडिया स्टार्ट करते हैं। क्लास ए के लिए क्या यूज़ करोगे आप बताओ, कार्बोनेशियस है, लकड़ी, पेपर, इसमें आग लग गई तो पानी, गुड, ठीक है। क्लास बी ऑयल है, ऑयल है तो क्या यूज़ करेंगे, सैन, ठीक है, वेरी गुड। इसमें हम यूज़ करते हैं पानी यूज़ करेंगे, क्यों, यस, डेंसिटी उसकी अलग है तो वो उसी के साथ फ्लो होगी। तो उसके लिए हम ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है इसको यूज़ करते हैं। फोम मतलब एक प्रकार का झाग डेवलप करता है और वो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से कट कर देता है। ऑक्सीजन और फ्यूल और एटमॉस्फेयर के बीच एक लेयर बना के ऑक्सीजन कट कर देता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्लास सी गैस फायर में पानी यूज़ करोगे, ए बी सी एक्सटिंग्विशर, ए बी सी, ए बी सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक ड्राई केमिकल पाउडर है। ए बी सी क्यों बोलते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसीलिए इसको ए बी सी बोलते हैं। तीनों क्लास में आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको नॉर्मल भाषा में समझने के लिए ए बी सी बोलते हैं। ये है ड्राई केमिकल पाउडर, इसका यूज करेंगे। मेटल फायर, मेटल फायर में पानी यूज होगा, क्यों यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पानी की जो कैपेसिटी होती है 1650 डिग्री सेल्सियस में वो ब्रेकिंग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कुदरत ने बड़ा अच्छी चीज़ बनाई हुई है, पानी, हाइड्रोजन बम और ऑक्सीजन दोनों मिल गया आपस में, इतना तरल पदार्थ बनाया, ठीक है। तो ये 1650 डिग्री सेल्सियस में दो भाग में डिवाइड हो जाती है, और मेटल जो फायर होती है वो 2000 डिग्री एबो, उससे ऊपर की फायर होती है, जब उसमें पानी डालेंगे ऑलरेडी वो और एक्सेस होगी, बढ़ेगी, तो उसमें पानी यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम स्पेशल टाइप टीईसी, टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, ये एक टाइप का केमिकल होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं मेटल फायर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में नॉर्मल एबीसी, एबीसी यूज करेंगे। CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये यूज करेंगे। उसके बाद एफ, एफ क्लास के में ये वेट ड्राई केमिकल है, उसमें आता है एक वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, वो फोम एफ क्लास में यूज कर सकते हैं। अब आग लगा है, आग लगने के लिए क्या चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए। अब यही ट्राइंगल में किसी एक एलिमेंट को आप हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये, सबसे ये बेस है। तीन चीज से आग, तीन चीज मिलके आग लगती है, और तीन चीज में से किसी एक एलिमेंट को आप हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। फ्यूल हटा देंगे, स्टारवेशन मेथड कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हटा देंगे, ठीक है, स्मूदरिंग हो जाएगी। टेम्परेचर हटा देंगे, कूलिंग मेथड हो जाएगी, ठीक है। स्टारवेशन, कूलिंग और क्या बोला, एक स्मूदरिंग, ठीक है। भूखा मारना, उसका हवा से नाता काटना और ताप को हटाना, ये तीन मेथड हो गया। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन हमने देखा।
आग पहले क्या है इसने हमने समझा, क्लासिफिकेशन समझी, उसके बाद आग को कौन से एक्सटिंग्विशर से यूज करना है ये से हमने समझा, फिर आग बुझाने के मेथड। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये हर किसी को आनी चाहिए। अब हम आते हैं अब यहाँ पे अभी लाइट है, रोशनी है, तो आप आराम से हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, रास्ता देख पा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होगी, एसी लगी हुई है, स्मोक इतना ब्लैक स्मोक आता है कि आप अगर रुमाल भी बांधेंगे तो भी आपके नाक के अंदर ब्लैक स्मोक घुस जाएगा, इतना डार्क उसका धुआं हुआ रहता है। और अंधेरा, एक साथ लाइट बंद हो जाएगी तो आप सब चिल्लाना चालू करेंगे, जो मैंने शुरू में बोला वो नहीं निकला आवाज, तो वो बहुत तेजी से चिल्लाएंगे, तो उस समय वो काम नहीं करना है, उस समय शांत रहना है, ठीक है। तो जब भी आग लगे तो हमें धुआं हमेशा ऊपर की ओर ट्रेवलिंग करता है। अच्छा ये चीज बताइए मुझे, एक आग जल रही है और एक साइड धुआं निकल रहा है, तो कौन सी टेम्परेचर ज्यादा है? स्मोक जैसे पानी गर्म है कि उसका भाप गर्म है ना, सेम मेथड ये काम करता है। यहाँ पे आग तो नॉर्मल जल रहा है, लेकिन उससे जो स्मोक निकल रहा है उसमें क्या क्या है? उसमें फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, ठीक है, उसमें हीट है, सब कुछ है उसमें। आप कैंडल लगाए हैं यहाँ पर, आप माचिस जलाएंगे वो उसको गैन पकड़ लेगा, ठीक है, इसको तो पढ़ते ही हैं आप लोग, तो सेम मेथड है। तो वो धुएं से आपको बचना है, तो हमको नीचे क्रॉलिंग करते हुए आपको झुक के जाना है, रुमाल बांध लो और आप निकल जाइए। हर एक बिल्डिंग में असेंबली पॉइंट होती है, वहाँ आप इकट्ठा हो जाइए। क्या होता है कई लोग बेहोश हो गए, गिर गए, कुछ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है कि हमारे 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे बाहर आए कि नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड आने में टाइम लगेगी, फिर वो अपना बी ए सेट और फायर सूट पहन के फिर जब तक अंदर जाएगा तब तक उसको भी पता रहना चाहिए कि अंदर कैजुअलिटी है कि नहीं, टाइम वेस्ट, ठीक है, टाइम इज इम्पोर्टेंट है फायर सर्विस में। तो ठीक है, तो कैसे निकलना है आपको, क्रॉलिंग करते हुए नीचे रुमाल का उपयोग करके बाहर जाके, आपको भागना नहीं है, एक जगह स्थिर खड़े हो जाना है सेफ जगह में, ठीक है, ये आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो निकलिए, ठीक है। और रहा बात, अब रात में हमको दिखेगा कैसे, है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ के स्टाफ, नीचे नीचे ना एक रेडियम रिफ्लेक्टर वो आप इंडिकेटर कर दीजिए ऐसा नीचे नीचे कि किस डायरेक्शन में जाना है हमको, एग्जिट होना है। तो उससे क्या हो जाएगा, जब अंधेरी लाइट हो जाएगी, सबके पास मोबाइल टच रहता है, जैसे उस पर लाइट की रोशनी पड़ेगी रिफ्लेक्टर इंडिकेट करेगा और हमको किधर जाना है ये सूचना हो जाएगा। तो एक ये आप कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, और बाकी फिर अगर कुछ प्रैक्टिकल है हम बाहर करते हैं, और ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा, बोर हो जाओगे, ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। चलो बढ़िया है, आप लोग को सबको समझ आ गया, हाँ ठीक। अच्छा आप बताइए फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, नहीं पता सर, आप बताइए 101। और कोई अपडेशन नहीं है पीछे से कोई, आप बताइए सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक के नंबर सब ओवर 112, उसमें हमको सारी सुविधाएं मिल जाती है, चाहे आप आग लगे मेडिकल सर्विस हो, या फिर आप कहीं सुनसान रास्ते में भी फंसे हो, आपको घर गाड़ी नहीं मिल रही है, आप वहाँ फोन करिए, आपको घर तक ड्रॉप करेगा, ठीक है, 112 याद रखिए। बाकी इमरजेंसी नंबर आपको पता नहीं था, चलो पता चल गया आज के, है ना, जीवन में क्या रहता है, सब बाकी चीज़ तो है, स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन ये कुछ और एडिशनल चीज़ है, ये लाइफ को हमको सीखना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड सिखाते हैं, 13 टाइप का रेस्क्यू है, सिंगल कैजुअल्टी, फिर उसके बाद दो रेस्क्यूअर रहेंगे, सिंगल कैजुअल्टी, ऐसे करके 13 टाइप का उनको रेस्क्यूअल, ग्राउंड रेस्क्यू केवल 13 टाइप के सिखाते हैं। उसके बाद फिर हाइट रेस्क्यू अलग रहती है, तो ये फायर डिपार्टमेंट ही अलग एक डिपार्टमेंट है। अब आप लोग को यहाँ पे हमको सिर्फ बेसिक चीज़ बताने के लिए यहाँ पे आए थे, पहला क्लास है, फिर आगे मौका लगेगा तो इसके और आगे हम बताएंगे। अभी केवल आपने एक्सटिंग्विशर जाना, आग लग गई तो कैसे हमको बाहर जाना है और कहाँ पे एक जगह इकट्ठा होना है,
ये चीज़ आपने सीख लिया, ठीक है। बाकी घर में सिलेंडर में आग लग गई तो क्या करेंगे आप? हाँ बताइए। बिल्कुल, आग जब लगती है ना तो फिर ये काम नहीं करता, ठीक है। आदमी सिर्फ क्या करूं करके जीरो हो जाता है उस समय। तो गैस सिलेंडर में आग लग गई, नॉब बंद कर दीजिए उसका, आग बुझ जाएगी। बिल्कुल शांत रखिए मन को। नॉब बंद करेंगे, गैस सिलेंडर बुझ जाएगी। आटा गूंथ रहे हैं, आटा को फेंक के मार दीजिए। गीली मिट्टी है, लगा दीजिए। कई बार हम भूल जाते हैं, अंदर आया एंट्री, स्मेल आया कि अरे कुछ तो है, तुरंत स्विच ऑन नहीं करना है, तो विंडो खोलिए, खिड़की खोलिए, उसके बाद फिर कपड़े से झाड़ू की तरह पूरी एयर, फ्रेश एयर को अंदर सर्कुलेशन करना है, उसके बाद स्विच ऑन, ठीक है। तो ऊपर वाले ने 5 ऑर्गन दिया है तो उसको यूज़ करना है, ठीक है। और रहा बात, हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जुगाड़ में इनका ज़िंदगी जीते हैं। किचन प्लेटफॉर्म नीचे, टंकी ऊपर, ऐसा ही करते हैं जनरली। हम जब भी जाते हैं फायर में तो लगी है सर एलपीजी सिलेंडर में, हम पहले दिमाग में समझ आ जाता है कि बस इसने यही गलती किया होगा, और वहां जाके हमको वही मिलता है। क्या करते हैं, गैस सिलेंडर ऊपर रखते हैं और चूल्हा को जमीन पर रख के खाना बनाते हैं, तो वो सबसे बड़ा चांसेस होता है आग लगने का। क्यों होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म, ठीक, तो उसके अंदर क्या है, लिक्विड है। तो जब वो लिक्विड, जब इंड खत्म होने का होता रहता है तो उस समय उसमें लिक्विड फ्लो होती है। जब वो उसमें कंप्रेस फॉर्म में भरते हैं तब वो गैस में निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उसका कंप्रेस प्रेशर कम होता है तो उसमें लिक्विड फॉर्म आने चालू हो जाती है एलपीजी में, तो वो पाइप में ऑलरेडी लिक्विड फिट हो जाती है। उसके बाद जैसे हम नया सिलेंडर चेंज करते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से गैस निकलती है, और उसके अंदर पाइप तो देखें कितनी छोटी सी रहती है उसमें, इनर होल, उसमें तो लिक्विड ऑलरेडी उसमें फिल है। गैस निकलेगी कैसे? इधर हम लाइटर ऑन किए या माचिस लगाए हुए हैं, प्रेशर से आई, आग लग जाती है। तो 99% चांसेस यही कारण रहता है। तो हमेशा चूल्हा को ऊपर रखिए, टंकी नीचे हाइट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पोजीशन स्थिति में आपको क्या करना है, एमसीबी का उपयोग करना है। एमसीबी है, उसको गिरा दीजिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। 1912 बिजली विभाग को फ़ोन करिए, पावर कट होगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो एलपीजी घर का भी समस्या आपका दूर हो गया, इलेक्ट्रिक भी हो गई। और कुछ? देखो गर्मियों के दिन में हम सबको क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा प्रिय कोल्ड ड्रिंक कोको कोला पीते हो कि नहीं? हाँ, तो सबसे अच्छा एक्सटिंग्विशर है वो। हर शॉप में, हर जगह मिलेगा। कहीं चलते कार में आग लग गई, वो कोको कोला को आप शेक करिए, बिल्कुल वो तेजी से निकलेगा वहां से बाहर। और कोई भी आग रहे, कार की आग रहे या फिर कार्बोनेशियस फायर है, एक्सटिंग्विश करता है। तो सबसे बेस्ट है गर्मियों के दिनों में। बाकी कार में आग क्यों लगती है? चूहा के कारण, चींटी के कारण। ये आपको बड़ा विचित्र लगा होगा लेकिन मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पाया है उसमें। गाड़ियाँ हम खड़े करती हैं, खड़ते हैं तो चूहा जो आता है ना वो वायर कट कर देता है अंदर, और चींटियाँ घर बनाती है, वायर को ऊपर का कोटिंग को वो खा लेती है। हमको तो अंदर नहीं पता है क्या हो रहा है। तो मैंने लगभग वही पाया अपने रिसर्च में कि ये दो कारण बहुत मेन है आग, कार में आग लगने का। और तीसरा है मेंटेनेंस, प्रॉपर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो रहता है। देखिए फायर हो गया तो आपको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आप वहाँ पर काम करिए, अन्यथा आप किसी को सूचना दीजिए। मेन है प्रायोरिटी सूचना देना, ये कि नहीं आग लगा आप वहाँ से हट गए, सूचना दे दीजिए फायर ब्रिगेड, पुलिस को या किसी को भी, कि यहाँ आग लगी है, वो उस डिपार्टमेंट को आप हैंडल कर दीजिए। बाकी गैस सिलेंडर में आग लगी, आप नॉब बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी है, पावर से कट कर दीजिए, कंट्रोल हो जाता है। गाड़ियों में आग लगी, यदि बैटरी कट करने का अगर ऑप्शन है तो बैटरी कट कर दीजिए। ये तीन पावर सोर्स को यदि आप बंद कर देते हैं आग में तो वो आग कंट्रोल में आ जाती है।
और तीसरा मेन इम्पोर्टेंट है, जैसे आग यहाँ पे लगी तो हमको क्या करना है, उसको बुझाना नहीं है, आसपास के सामान को हटा देना है, जो जलना है वो तो जल जाएगा लेकिन आग बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये भी हमको अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पे लगाना है कि आपको बुझाना भी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं बुझा सकते, संसाधन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसको फैलने से रोक सकते हैं, इतना है। जी सर बताएंगे, माइंड में कुछ चल रही है तो रेस्क्यू है, क्रॉलिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे बैठ के जाना है, हम लोग कैसे काम करते हैं, जैसे एंटर करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं, वो सब आपको बता सकते हैं। फायरमैन लिफ्ट है, जैसे अब आप हैं इंजर्ड हो गए, अब इनको नहीं ले जाना है, कैसे ले जाओगे, है ना। तो कुछ कुछ बेसिक है, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली है बता दिएंगे, और बाकी अभी तक थ्योरी में कोई आपको पूछना है या मन में। अब मोबाइल तो यूजेस के ऊपर है, एक्सेस यूज़ करेंगे हीट होगी, हीट होगी तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉपर उसको चार्जिंग कर लिए, उसके बाद यूज़ करें, जब वो 10% ड्रेन बचा है आप लगाइए चार्जिंग। मेरे साथ ये घटना हुआ था, ट्रेनीज आते हैं हमारे साथ सीखने के लिए, तो किचन में आग लगी हुई थी, तो बहुत रोशनी थी, फ्लैम था, और अंधेरे, मतलब फ्लैम था तो रोशनी थी ऑलरेडी, जाए किचन में हमने एंट्री किया, गैस सिलेंडर का नॉब बंद किया, उसको मैंने पकड़ के जैसे निकाल रहा था, सर अंधेरा हो गया, लाइट ऑन किया, वहाँ पे जितनी बल्ब थी सब फट गई। वो तो मैं बाहर निकाल लिया था करके आज आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहता। तो ये सिचुएशन आती है, तो इसीलिए हम ट्रेनीज को ले जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं जो बोलेंगे वही करना, तो कुछ लोग रहते हैं माइंड लगाने वाले सुपर, कुछ नहीं, जब आप उसको पिक करेंगे तो ही सिग्नल आपका कनेक्शन होगा नेटवर्क से, अन्यथा आप कुछ नहीं होगा। मोबाइल आप बज रहा है, रिंगिंग होने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा हीट रनिंग करके आते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, और फ्यूल जब तक उसके अंदर टैंक के अंदर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन वो फ्यूल अगर आपके इंजन में अगर टच हुई तो फिर वहाँ से आग पकड़ता है। वो कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, पेट्रोल टैंक में फ्यूल करा रहे हैं आग लग रही है, तो वो वही रीज़न है। और स्टैटिक एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ते होंगे हेयर, है ना, तो स्टैटिक एनर्जी भी बहुत खतरा है। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, जहाँ मिसाइल्स बनते हैं, तो वहाँ पे ये स्टैटिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल है। वहाँ पे आपको कमरे में एंट्री करना है, अपने बॉडी को पहले स्टैटिक, एक कॉपर की रॉड आती है उसको पकड़िए, आपके अंदर की स्टैटिक एनर्जी रिमूव होगी तब आप अंदर जाइए, वरना जो प्रोपेलेंट है वो उसको आप टच करेंगे आग लग जाएगी, इतना मतलब हमारे शरीर में करंट डेवलप होता है। नहीं, एग्जॉस्ट यूज़ नहीं करना, एक कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ नहीं करनी है, आप प्रॉपर खोल दीजिए विंडो, नेचुरल एयर, और या फिर आप कपड़ा लेके उसको झाड़ू लगाते हैं ऐसा, उसको आप पास करिए। इलेक्ट्रिक मोबाइल ये सब यूज़ नहीं करना है। भगदड़ आपने अभी रिसेंट सुना ही है, और जो खतरनाक माइंड वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, भगदड़ मचा देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो बिना बॉम्ब फटे आदमी मर जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, आपको कभी भी ऐसा भगदड़ का सिचुएशन बने, या तो आप दीवार किनारे चले जाइए, क्योंकि सब भागने के लिए लहरेंगे ना, दीवार किनारे आप चले जाइए, या भगदड़ के साथ आप धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए आगे निकलिए, कभी नीचे नहीं बैठना है। नीचे बैठने से क्या होता है पता है, आप नीचे बैठे हैं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं तो भागूंगा, तो आपके कारण मैं नीचे गिरूंगा, फिर वो स्टैम्पिंग होके एक्सपायर हो जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो या तो आप दीवार किनारे चले जाइए, या जिस दिशा में आपको रास्ता मिल रहा है वहाँ धीरे धीरे आप मूव करके सेफ जगह में चले जाइए। सिंपल है, आपको जो इंडिकेटर इंडिकेशन का जो बताया था ना वो आपका रहेगा, तो आराम से निकल जाएंगे। और जब आपको ये चीज़ पता चल गई है, देखिए होता क्या है, जब तक हमको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तब हमको क्या लगता है इसके पीछे क्या है। अब मैं हाथ में कुछ लिखा हूँ,
जब तक ये आपको नहीं पता है तब तक आपके मन में रहस्य रहेगा कि अरे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता चल गया अरे तो कुछ नहीं लिखा है सर, ऐसे मजाक कर रहे थे, तो आपके मन में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा डेमोस्ट्रेशन और ऐसी वीडियो हमको देखते रहनी चाहिए, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो नॉलेज इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो गई तो आप उससे सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपको एक्सटेंशन ही नहीं पता था, आज के डेट में आपको पता चल गया। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है ये हम सीख लेते हैं। इसका मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है पास, हर किसी को पास होना है, एग्जाम में हो या कहीं भी हो जिंदगी के लाइफ में, है ना। तो इसीलिए ये पास मेथड इसका यूज़ करते हैं। पुल द पिन, पी ए एम, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्यूज द ग्रिप, स्वीप साइड बाई साइड, पी ए एस एस। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। ये क्या है? पिन है, पी फॉर पिन, पुल द पिन। इसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, आग के जहां आग है वहां पे आप निशाना टारगेट साधिए, ठीक है। ये है ग्रिप, स्क्वीज़ ग्रिप, इसको प्रेस, ठीक है। उसके बाद झाड़ू की तरह साइड टू साइड, ऊपर नीचे नहीं, साइड टू साइड, ये हम यूज करेंगे। ओके, ऐसा क्या मेथड है? सीख गए, आप चला लेंगे? अभी इसको चलाना ही है, यस बोलने से काम नहीं बनेगा, इसको आपको ही ऑपरेट करना है। उसके बाद दिखा मैंने फायरबॉल को, ये जितने एक्सक्यूशन है ये मैनुअल यूजेस हैं, आप इसको हाथ से ऑपरेट करेंगे, आपको खुद ही ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये है, क्या है? ये बॉल है, ठीक है, फायरबॉल है ये एक, ये ऑटोमेटिक है। आप इलेक्ट्रिक पैनल है, एसी है, वहाँ पे आप इसको बिल्कुल स्टैंड रहता है, स्टैंड में बिल्कुल इसको आप लगा कर रख दीजिए। जैसे ही ये इसको हीट मिलेगी, इसमें एक अंदर में एक फटाके के लिए जो बत्ती रहती है ना, वैसी एक बत्ती लगी हुई है इसके अंदर में, ये लगेगी, ये मतलब इसमें आग पकड़ेगी, आग पकड़ने के बाद ये अंदर से गैस डेवलप करके, ब्लास्ट नहीं करेगा, गैस डेवलप करके ये फटेगा, ये बॉल। इसमें थर्माकोल है, थर्माकोल के अंदर, इसके अंदर अब अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सप्लोज करेगी और आसपास जितने एरिया है उसको ये एक्सटिंग्विश कर देगी। तो ये सबसे अच्छा मीडिया है, पैनल में लगा सकते हैं, एसी के पास लगा सकते हैं, यही सिस्टम छोटी साइज में कार में आती है, कार में भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया ड्राई केमिकल, इसी में एक आती है गैस टाइप, क्लीन एजेंट बोलते हैं। वो क्लीन एजेंट ऐसा है जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आग लग गई, ये एक्सटिंग्विशर यूज करोगे काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मोटे हैं तो वो इंटर पार्ट तक वो नहीं जा पाएगी। तो वहाँ पे हम गैस यूज़ करेंगे, CO2 टाइप का, कार्बन डाइऑक्साइड वो, और दूसरा क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट क्या करेगा? आपका जो प्रोडक्ट है उसको डैमेज नहीं करेगा, ये तो डस्ट करेगा, डैमेज थोड़ा सा करेगा, लेकिन क्लीन एजेंट और CO2 ये दो ऐसे हैं जो डैमेज नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट को, आग को एक्सटिंग्विश कर देंगे, प्रोडक्ट भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है। देखना चाहेंगे? ये 10x10 एरिया को कवर कर लेता है, मेन जहां पे आग लगी अगर वहीं पे ही है ना तो अच्छा, कंट्रोल अच्छा है उसका, रेंज। इसमें कैपेसिटी आती है, ये आपकी 5 kg, 2 kg, 3 kg, 4, ठीक है, ये 10 kg तक आती है, केजी के हिसाब से है। और ये भी सेम कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसकी अलग अलग। कंप्यूटर यदि पूरा जल गया है, पावर कट हो गई है, पानी अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी तो आप सब एक्सपर्ट हो गए हैं, आप ही लोग से पूछना चाहिए मुझे, है ना, बता पाओगे? कोई आवाज नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाहर बैटरी में आग लग गई तो क्या करोगे, कौन सा एक्सटेंशन यूज करेगा? हाँ,
CO2 ABC दोनों अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे कि भागोगे? ठीक, फर्स्ट यदि आप अगर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है अंदर में तो करिए, नहीं तो आप सेफ जगह में जाइए, हम लोग तो है ही। ठीक है, आप हमको संपर्क करिए, हम लोग टाइम से पहुंचते हैं, 24 आवर हमारी ड्यूटी रहती है, 3 शिफ्ट हमारी, आप कभी भी कॉल करेंगे 1 मिनट में हमको रवाना होता है, टाइमिंग है हमारा, टाइमिंग है वो, 1 मिनट में हमको वहाँ से गाड़ी निकालने की रहती है। बस प्रॉब्लम क्या होता है, हमको कॉल कंफर्मेशन में टाइम लगता है, बाकी गाड़ी हमारी रेडी रहती है एनी टाइम। आग से जल गया तो हम देसी इलाज कर सकते हैं, अगर घर पे हो तो कोलगेट यूज़ करिए, आलू है, और मेन है पानी, कंटिन्यू वाटर फ्लो, मतलब या तो डुबा के रख दीजिए या कंटिन्यू उसमें फ्लो होते रहिए। क्या होता है जब बर्न होती है ना, तो बर्निंग अलग अलग अंदर की ओर जाती है, आग की जो बर्निंग रहती है, स्किन बर्निंग अंदर की ओर जाती है, और उसके कारण हीट बाहर लगता है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है वहाँ से हीट बाहर आ रही है, क्यों? क्योंकि वो अंदर की ओर जा रही है। तो कंटिन्यू हम उसमें पानी वाटर फ्लो करते रहेंगे तो जो हीट है वो वाइप आउट करते रहेंगे। हमको क्या एक इंडियन है तो हमको थोड़ा देसी जुगाड़ जाना बहुत जरूरी है। हर कोई आदमी किसी के पास बैंडेज तो रहनी चाहिए। ठीक है, एक इंटरव्यू में शायद कोई गया हुआ था, तो अचानक ऐसा टेबल हटाते समय मैडम के या सर के हाथ में चोट लग गई, तो उसने फर्स्ट एड निकाल के दे दिया, तो सोचो क्या इम्प्रेशन बनी होगी। जो आदमी इतना केयर है छोटी चीज़ में, तो वो आगे कैसा मतलब टेकिंग लेगा डिसीजन। ठीक है, छोटी सी बैंडेज 1 रुपए की, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर देता है। ठीक है, तो सब अपने पास बैंडेज रखना, इस चीज़ मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग है, मैंने पहला ही लाइन यहीं से स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग है, केवल फर्स्ट स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। आप इसको अप्लाई करिए, तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल कर दीजिए। घुटने के नीचे ही रहेगा आग, LPG लिक्विड हैवी रहती है, तो कभी भी आप आगे ऑफिसर बनेंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है ना, वेंटिलेशन उसकी बॉटम में रहेगी, LPG की बॉटम में रहती है, नीचे में रहती है, और बाकी वेंटिलेशन हमारे घर की ऊपर में रहती है, क्योंकि हम जो हवा लेते हैं गर्म होने के बाद वो ऊपर उड़ के चले जाती है, लेकिन LPG हैवी होता है एयर देन, तो वो नीचे फ्लो करती है। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आग लगा ना तो पूरे कमरे में आग लग गई थी उस दिन। किचन में जनरली यही होता है कि हम मोबाइल ऐसा चीज़ आ गया है कि हम गैस ऑन किए, तेल पूरी तल रहे हैं, चल दी इधर अपना बात करते हुए निकल गए, हीट होते होते वो आग लग जाती है। मैं उड़ीसा में गया हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पूछा लास्ट में ख़त्म होने के बाद, आप किचन में काम कर रही हैं तो आप ही बताइए, किचन में काम कर रही हैं, कढ़ाई में आग लग गई, क्या करेंगे? गैस ऑफ कर देंगे। ठीक है, वहाँ उसने क्या किया बताया कि आलू तल देंगे घर का। ठीक है, तो उसका भी लॉजिक सही था, क्योंकि वो किचन में काम करती रहती है, अपने हमको हीट उसमें कम करना है, हीट एक्सेस हो गई है, तो उसने आलू काट के डाल देंगे बोले, तो उसका भी अच्छा माइंड है, लेकिन वो गलत है। होगा क्या, उसमें ऑयल है, ऑयल टेम्परेचर है, तो वो फ्लैश करेगी। ठीक है, तो वो लगने का सबसे अच्छा तरीका है, सेम नाप का ढक्कन रहेगा, आप उसको कवर्ड कर दीजिए, वही सबसे बेस्ट। ब्लास्ट है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करेंगे प्रॉपर। देखिए इसका कोई प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कि आप उसको पहले से प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, कोई भी चीज़ होने से पहले वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कनेक्शन रहता है। कुकर में ब्लास्ट क्यों होगा, जब आप उस कुकर को प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे, उसके अंदर का जो होल रहता है उसमें चावल या कुछ भाजी आपने उबाला, एक्सेस मात्रा में रखा, तो ही वो इवेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर मेन
डिपेंड करता है किसी भी इवेंट को होने के लिए, है ना। तो हम लापरवाही करते हैं, कुकर का कैपेसिटी है 3 लीटर की, आप उसमें 3.5 लीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो गलत है ना। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है प्रॉपर उसका वायसर आप मेंटेन करिए, उसका जो सीटी बिसल्स आती है वहाँ पे जो होल है उसको डेली आप जब भी यूज़ कर रहे हैं एक बार फूक लीजिए या देख लीजिए, कभी कोई ब्लास्ट नहीं होगा। छिलका वाला दाल यूज़ करते हैं हम लोग, वो जाके फंस जाती है ना। तो प्रॉब्लम होता है, कुछ इवेंट होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बाकी बस उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं प्रिवेंशन के लिए, ना कि एक्शन के लिए। पहले से हम सुरक्षित रहेंगे तो आसानी से वो कर सकते हैं। अभी एक चेयर के बीच थोड़ा, अब इतने हैं थोड़ा गेपिंग होना चाहिए, गेपिंग रहेगी तो आराम से आप निकल जाओगे, लास्ट वाले को निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसको ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा रहेगी, इनकी ट्रैवलिंग टाइम कम रहेगी, है ना। सिलेंडर तो सभी घर में रहती है, अब आग कौन से एरिया में लगी है, अगर पहले घर में आग है तो आप अगर पता चल गया तो अपने घर की सिलेंडर वाल्व को बंद कर दीजिए, अलग कर दीजिए, यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। सिलेंडर में इतना जल्दी ब्लास्ट नहीं होता, सिलेंडर में ब्लास्ट कब होता है जब उसकी जो पाइप है ना वो डायरेक्ट उसकी हीट टंकी पे ही आ जाती है, तो फिर वो ब्लास्ट होता है। शंकर नगर में हमने गया था, घर पे आग लगी थी सिलेंडर की आग, उसने बोला कि सर अंदर एक टंकी है निकाल दीजिए ना, हमने वहाँ से 11 सिलेंडर निकाला, ठीक है। तो यहाँ रायपुर वाले बहुत झूठ बोलते हैं ठीक है, तो 11 टंकी हमने वहाँ से निकाला था बाहर, और हर कमरे में, उसके सामने दो किनारे दरवाजे के पीछे, फिर वो किचन में अलग, फिर बेडरूम में अलग, असर के जहाँ जहाँ एंट्री कर रहे हैं वहाँ वहाँ सिलेंडर दिख रही है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है सिलेंडर का बात है तो आप अलग कर दीजिए। और आजकल हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो हमको या तो नीचे उस सीढ़ी से उतरना चाहिए, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, कभी भी आग लगे तो सीढ़ी का उपयोग, स्टेयर का उपयोग करिए आप। और आग ये फर्स्ट फ्लोर में लगी है, सेकेंड फ्लोर में है, आग ऊपर पहुंच सकती है, ठीक है। आप लोग हीट में पढ़े होंगे, कन्वेंशन, हीट ट्रांजिशन, है ना, ये सारे जितने मेथड पढ़ रहे हैं ना ये सब अलग से फायर डिपार्टमेंट जब आएंगे, अगर आप इनमें से कोई ना कोई तो आएगा तो वो आप पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तवा के समान काम करता है ये, नीचे आग लगी हुई है, यहाँ से आग ऊपर में पड़ जाएगी। उसके बाद आप बगल वाले घर में बोल रहे हैं मेरे घर में आग नहीं लगी है, पर्दा लगा हुआ है, यहाँ का हीट रेडिएशन के थ्रू उसको हीट, इनिशियल टेम्परेचर मेथड आप दिमाग में चलिए, 3 चीज़, टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर उस पर्दे को कैप्चर करेगा, इनिशियल टेम्परेचर मिल गई वहाँ आग लग जाएगा। आग इस कोने में स्टार्ट हुआ, हमको पूछते हैं सर आग तो वहाँ लगा, वहाँ कैसे पहुँच गया, स्मोक ट्रेवलिंग करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इसीलिए स्मोक है, स्मोक से ही आग फैलती है, वहां से आग लगते लगते पर्दे में हीट आएगी, पर्दा पकड़ लेगा, ऐसे 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 करते करते एक एक स्टेप वो गेन करता है। तो मेन, अगर हमको कहीं आग लगी है तो अगर वेंटिलेशन अगर कर पाए तो सबसे अच्छा है, उसको निकलने के लिए अगर हीट स्मोक निकलने के लिए रास्ता है बाहर तो आग नहीं फैलेगी। और दूसरा चीज, अगर धुआं अगर निकलने का जगह भी नहीं है तो भी आग बुझ जाएगी। नहीं, अगर वेंटिलेशन निकलने का अगर समय अगर है नज़दीक वहां से तो आग फैलेगी नहीं इतनी जल्दी, वेंटिलेशन के लिए अगर अगर है धुआं पास होने के लिए अगर स्थान है तो आग इतनी स्पीड से नहीं फैलेगी जितना बंद कमरे में। तो उसमें था क्या मटेरियल, पहला कॉल मैं ही अटेंड किया वहां का, पहला टर्नआउट लेके मैं ही गया था वहाँ पे, जब फर्स्ट कॉर्नर में आग लगी थी वहाँ, लास्ट में जब हमने निरीक्षण किया तो वहाँ पे एक लकड़ी की बोर्ड थी उसमें आग नहीं पकड़ा था, पूरा कैंपस जल गया, सोचो क्यों। तो फिर हम लोगों ने देखा तो पता, अच्छे से ध्यान दिया तो उस दिन हवा की डायरेक्शन ऐसे थी, तो आग जिस डायरेक्शन में रहेगी ना वैसा होगा। हमने टर्नआउट लेके गया वहाँ,
देखा कॉर्नर में पहले वायर में केबल में ही आग थी, उसके बाद फिर ऑयल में ट्रांसफार्मर में अंदर में ऑयल रहती है वो हीट हुई, हीट होने के बाद बहुत तगड़ा फ्लैश हुआ। ठीक है, हम लोग बुझा रहे थे, हमारे ये जो बाल है ना ये पूरे गोल गोल जल गए थे। ठीक है, इतनी हीट थी वहाँ पे, तो वहाँ से हीट हुई, फिर हवा भी डायरेक्शन ना ऐसा चल रहा था, तो आप कभी जाएंगे तो वहाँ देखेगा ऐसा घूमते हुए ट्रांसफार्मर कैप्चर किया हुआ है, ऐसा डायरेक्शन में नहीं है, पहले ये डायरेक्शन में आते 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 ऐसे करके हवा, जैसे जैसे हवा की डायरेक्शन आई ना वैसे आग बढ़ते गया वहाँ पे। और वहाँ पे एक लकड़ी की बोट थी वो आग नहीं लगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा का डायरेक्शन उस साइड नहीं थी। हाँ, जंगल फॉरेस्ट की आग में क्या करते हैं, दो तीन मेथड रहता है, एक तो आग से आग को मिला देना, इधर आग लगी है हवा की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, आग वहां पे कट करके जला दीजिए, आपस में आके बुझ जाती है। दूसरा, वहां पे एक पट्टी ऐसा कट कर दीजिए थोड़ा सा, तो आग वहां तक आने के बाद उसको आगे बढ़ने के लिए चैन रिएक्शन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाती है। फिर अपना एक्सटिंग्विशर मीडिया है, पानी है, फायर बीटिंग है। ठीक है, हाँ, और आप लोग ये भी कर सकते हैं, आग लगी है आपके पास कुछ एक्सटिंग्विशर नहीं है, झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, वो डंगाल तोड़िए और उसको प्रेस करके आप बुझा सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक्सटिंग्विशर नहीं है, एक्सटिंग्विशर मीडिया आपके पास नहीं है तो ये भी आप कर सकते हैं हरे झाड़ी से। ठीक है, ये चीज़ें जी बताएंगे सर, और कुछ कि आगे प्रैक्टिकल करें। अच्छा, हाँ हाँ तो ठीक है, तो पास मेथड समझ आ गया, तो आप जब भी कभी मौका मिले तो आप उस चीज़ को करिएगा। और बाकी और कुछ भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्लोज करें मैम? ओके, थैंक यू।